गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। और इस समय टाइम हो चुका है 11:55 और देखते हैं कि सोफिया, सायरा और उनकी मम्मी क्या कर रहे हैं। अब जाकर हमारा नाश्ता हो रहा है। देखो, तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 11:45 बजे। लेट उठे हैं आज क्योंकि उनकी मम्मी की छुट्टी थी। और आज नाश्ते में भिंडी और रोटी खा रहे हैं। 4 दिन बाद आज सोफिया को रोटी और सब्जी दी जा रही है, वरना तो खिचड़ी और दही खा रही थी और आज पहली बार दिया है। और 5 दिन तक इंजेक्शन लगने हैं और भिंडी और रोटी दी है, तो वैसे तो 4 दिन कुछ भी नहीं खाया। आज है ना, आज है आपका लास्ट डे ना उसका इंजेक्शन का? ठीक है, तो उसके बाद आप फ्री हो जाओगे अपने इंजेक्शनों से, है ना? अब मेरे साथ भी लग गया है। दोनों हाथों पे इंजेक्शन लगे हैं दोनों ही हाथ। सूच तो नहीं रखे सुबह जहाँ से निकाला था, दिखाओ। ओहो हो, उससे पहले ठीक है। ये तो है इसमें अभी भी, है ना? चलो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, है ना? तो फ़ायदा भी है तुम्हारे, आपके लिए, है ना, कि अब कल एग्ज़ाम है इंग्लिश का। फिर से और ओलिविया कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। बोलो। अच्छा, कौन से दोस्त आ रहे हैं, क्या नाम है उनका? कौन जो सृष्टि? हाँ। अच्छा, बट ज़्यादा उछलना मत। हम ना कुछ देंगे और अपने फ्रेंडों के साथ और हम स्विमिंग पूल में जाएंगे और आपके पैंट पे झूलेंगे। अभी 2:37 हो चुके हैं। आज सुबह से ही बहुत सुस्ती आ रही है, पता नहीं क्या रीज़न है। आज संडे भी है और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो यही कारण होगा कि आज काफ़ी सुस्ती और उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि कुछ जाए बाहर कुछ करें। बच्चे बड़े जिद कर रहे थे क्योंकि आज सोफिया भी ठीक थोड़ी फील कर रही है, तो वो भी बोल रही थी पापा कहीं ना कहीं ले जाओ घुमाने के लिए, लेकिन आज उसका लास्ट इंजेक्शन है इसलिए मैंने उनका मना किया। हाँ, मुझे याद भी आ गया कि 5-6 दिन पहले मैंने सोफिया के बुक्स दी थी फोटो स्टेट के लिए, उस समय सोफिया ठीक थी, सोफिया भी गई थी, तो उसी दिन वो बीमार हो गई थी जिसके रीज़न के कारण हम जा नहीं पाए और शॉप से उसकी बुक्स नहीं ले पाए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ आ जाती हैं। तो गाइस, ये तो चलता रहता है, ये तो संसार है और ये जीवन है, इसमें सुख दुख दोनों हमें हमारे ऊपर आते हैं और हमें इनका हैंडल करना पड़ता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मैं समय निकाल कर जाऊँगा और सोफिया की बुक्स के फोटो स्टेट लेने के लिए, और क्योंकि रीज़न ये भी है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि उसका पेपर भी, कौन सा पेपर होने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए भी वो तैयारी कर पाएगी। ये देखिए ओलिविया किचन में क्या कर रही है अकेली, किसी को पता नहीं था कहाँ है, लेकिन ये देखिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती रहती है। सायरा, ये क्या बना रहे हो? कपकेक? ये कैसे बनता है कपकेक? आटा मिक्स, ये देखो आटा मिक्स करके कपकेक बना रहे हैं। कब तक बन जाएगा ये? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ। इधर देख के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? पता है ओलिविया बोल रही है अगर पापा की बात पूरी हो गई
अगर मेरी बात पूरी होगी तो पापा की बात सुन लीजिए और मैं अपने काम कर रही हूँ। ये देखिए कपकेक बना रहे हैं, ये नींबू का वो ले रही है साथ में और मिक्स कर रही है आटा वगैरह, और ये देखो बर्फ। ओहो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आज। और अपने बारे में बताइए, आपने ये कहाँ सीखा है? मैंने तो दुकानदार से सीखा। कौन से दुकानदार से सीखा है? जो कपकेक बनाते हैं। जो कपकेक बनाते हैं, उन्होंने क्या बोला था? कि बच्चों को ना केक कपकेक सिखाएंगे। ठीक है, फिर आप बनाइए, बना के जरूर हमें दीजिएगा, ठीक है? सायरा, कपकेक केक रेडी हो गया? हाँ, हो गया। वाह, दिखाओ, ये होता है कपकेक? हाँ। अब आज इस समय नहा के निकला हूँ तो थोड़ा सा भूख लग रही है, देखते हैं क्या बनाया सोफिया की मम्मा ने। सूजी बनाई है और अच्छा है, ये पेट के लिए भी अच्छा है रिफ्रेशमेंट के तौर पे, और भूख भी मिट जाएगी। आज सूजी खाने को मिलेगी क्योंकि ये अच्छा भी है रिफ्रेशमेंट। 3:30 बज रहे हैं तो इस समय हल्का फुल्का खाएंगे। ये लो सोफिया अपना सूजी, आपको तो पसंद है ना? हाँ, मेरी फेवरेट। सच्चे फेवरेट है? छोटे में नहीं खाते थे आप? अच्छा, ये ओलिविया और उसकी मम्मी के लिए, दोनों के लिए। लो सुनिशा, क्या कर रहे हो आप? फ़ोन में क्या देख रहे हो आप? ओहो, ये चीज़ देखते रहे हो आप गेम्स का? क्या नाम है इसका? इस समय रात के 12 बज गए और सोफिया के जो इंजेक्शन लगाया था लास्ट, एलर्जी हो गई है, काफ़ी एलर्जी हो गई है, तो अब इमरजेंसी में हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हाथ, ओहो, ये तो एलर्जी हो गई है पूरी। ये देखो, ज़्यादा एलर्जी पैरों के नीचे भी। चलो फिर जल्दी चल। जल्दी जल्दी चलो, देख के चलना बेटा, अंधेरा है। लाइट ऑन कर दो ना, उतर गए, आराम आराम से चलना है ना। स्कूटर तो भारी है ना। चलो स्कूटर भी आज को उधर, नहीं स्कूटर में जाएंगे, पास ही है ना। नहीं नहीं, बस स्कूटर। चलो बैठ गए ना, अब चल रहे हैं, है ना। अब इमरजेंसी में डॉक्टर कौन होगा? निशा, ये तो काफ़ी, जब मैं आया तब से बोल रही है मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। बड़ी तरह से हो रहा है, हो रहा है काफ़ी। ये वो डेट देखी थी उसकी, ऐसा लग रहा था मच्छर काट रहे थे ना सुबह, वो दिया था इंजेक्शन। लेकिन तो किससे हुआ होगा? मच्छर नहीं है बेटा, वो जब एलर्जी होती है दाने दाने होते हैं तो खुजली होती है, खाज होती है काफी, दोनों बाजुओं पे पैरों के नीचे, पैरों भी। मैंने कहा पैरों के नीचे कैसे मच्छर काट रहे मेरे, ऐसे सोच रही थी मैं। ये तो शुक्र है कि ये हॉस्पिटल पास है। चलो चलो पहुंच गए, चलो कोई तो नहीं, तब तो निकल ही रहे थे।
पहुंची है। चलो टाइम से पता लग गया है ना, थोड़ा सा और होता तो क्या टाइम हो रहा है इस समय, लग रहा 12 से ऊपर हो गए। यहीं पे खड़ी कर देते हैं, चलो पहुंच गए हैं ना। उम्र कितनी है? 11 साल। 12वें में लगी है। चलो चलो डॉक्टर साहब मिल गए, चलो मिल गए कुछ में। इधर आ जाओ। अभी हम हॉस्पिटल आए हैं इमरजेंसी में, तो इंजेक्शन लगेगा सोफिया के, शायद उससे आराम मिल जाए, नाइट में सो पाए आराम से। हाँ खजाना मत दिखा, दिखाओ ओ ये चीज। सुबह रात के 12:30 हो रहे हैं।